बस अभी ऊपर ही जाएंगे। अरे हम लोग भी ऊपर ही जाएंगे। हट जा भाई, हट जाओ, तू हट जा, तू हट जा, बीच में से तो हटो। बाहर आ जाओ। मैम बाहर आ जाओ ना, उधर नहीं फोटो मार। बस 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 वहीं पे। उसको हटाओ पीछे से, पीछे से साइड हो जाना भाई। मैम यहाँ पे देखो, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम। पीछे तो देखो। लाइट तो चालू कर, लाइट लाइट तो चालू करो भाई, लाइट चालू करो ना। ये कौन लाइट मार दी? ऐसे कर लो। हां और आ सकते हो यहां पे, यहां पे और आगे जाओ। अच्छा नहीं लोग यो, आप सब ने याद तो बस जाने तो। अरे शेजवान नीचे ले के मेरा हाथ नीचे लेना, हाथ नीचे लेना। तू शेजवान हो गया, सस्ता हो गया। नहीं नहीं नहीं, नीचे आने को ही मौका दू जरा। तेरा हाथ बहुत बीच में आ रहा है। गुट्टू भोगे क्या? नहीं होगा उसका। मैं मुझे नहीं जा रही। मैं मेरे को आई नहीं है। गुट्टू उसने मुझे सेंटर में देखी। मैं मोहम्मद देखी, यहाँ देखी। थैंक यू। चलो चलो आगे हम जाओ। मूवी नहीं रखते It feels great yaar, honestly. This was my first project of 2022. I mean, dono catch kiya already, but I had a lot of expectations on this song because the entire team worked really hard. White Hill Beats has you know, portrayed it in such a nice way, and I guess the hard work has paid off. Okay. सॉन्ग काफी रोमांटिक है, साथ ही साथ मतलब हार्ट ब्रेकिंग भी दिख रहा है, तो ये किसका आइडिया था और कॉन्सेप्ट क्या था? तो ये फिरोज जी हैं जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनका आइडिया था कि हार्ट ब्रेक होना चाहिए, उसमें हैप्पीनेस भी होनी चाहिए, हर तरह के इमोशंस को हम पोर्ट्रे कर पाए, तो ये उन्हीं का कॉन्सेप्ट था और बहुत अच्छे से उन्होंने उसको दर्शाया है। यस, वैलेंटाइंस डे गया है तो ये गाना काफी रिलेट करता है उस सीजन से, तो यू टेल मी अबाउट योर फीलिंग एंड हाउ डिड इट रिलेट टू यू। बहुत बहुत मस्ती की हम लोगों ने एक्चुअली। सी आई नो अश्नूर और अनुज बिफोर इवन वी स्टार्टेड वर्किंग फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो हम लोग जानते तो एक दूसरे को थे। अनुज को तो बहुत टाइम से, जब से मैंने अपना करियर शुरू किया तब से मैं जानता हूँ अनुज को, शुरू से जानता हूँ यार, बचपन के यार, यार की महफिल जो सज गई वहाँ पर, तो बहुत मज़ा है, बहुत धमाल किया हम लोगों ने। यू नो पहली बार हम लोग साथ में ऐसे मिल के प्रोजेक्ट किए, कोई कोई गाना किए,
सो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली ये हुआ प्रोजेक्ट जब मुझे पता चला कि अश्नूर भी है और अनुज भी है. सो कुडंट से नो फॉर दिस वन. सॉन्ग में एक्टिंग तो बहुत ये बखूबी आपने निभाया है. जानना चाहूँगी कि लोकेशन कहाँ पे है या किस तरह की मतलब आपका एक्सपीरियंस है लोकेशन को लेकर. अब लोकेशन तो बहुत ही खूबसूरत थी एक्चुअली. आई लव द लोकेशन. ये सिम्बायसिस कॉलेज पुणे में शूट हुआ है और ऑल्सो उसके कुछ पार्ट है जो लोनावला में भी शूट हुए. अब लोनावला का नाम जब आ जाता है तो खूबसूरती तो अपने आप ही आ जाती है. मुंबई के पास सबसे खूबसूरत पार्ट है वो. एब्सोल्युटली. सो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लोकेशन था और बहुत अच्छे से शूट किया गया है फिरोज जी ने. सो यप. यारों की महफिल जो होती है वो हमेशा बहुत ही यादगार होती है. जानना चाहूंगी एक एक करके कि कौन सा यादगार लम्हा है यारों के साथ जो आप शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस. यारों के साथ तो सारे लम्हे ही यादगार होते हैं. जैसे मेरे मुंह की बात छीन ली यार इसने. नहीं गलत बात है. बैठ के गपशप करना, डिनर्स पे जाना, लंच पे जाना, चाय की टपरी पे चाय पीना, सारे मौके यादगार होते हैं. राइट राइट राइट. आई एग्री. लगा नहीं आपको वीडियोस देख के समझ में आएगा द काइंड ऑफ फ्लैशबैक दैट वी शॉट एंड ऑल ऑफ अस हैड अ ग्रेट टाइम ऑन सेट. मतलब चाहे वो एक राइवलरी दिख रही है अनुज और पारस के बीच में बट ऑफ स्क्रीन वी आर ऑल लाइक बडीज. राइट. सो वी हैड अ ग्रेट टाइम. ओके. जब ये सॉन्ग का ऑफर आप तीनों को दिया गया क्या कुछ फर्स्ट रिएक्शन था आप लोगों का? पहली बात तो ये गाना इसके लिरिक्स एकदम परफेक्ट है. सो इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. और दूसरी बात जब मुझे पता चला कि अनुज और अश्नूर है इस गाने में तो जब ये ऑफर आया तब मुझे ये सब चीज़ें जो एक साथ बैठी ना तो इट वॉज जस्ट अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन. परफेक्ट पैकेज मिल गया पूरा एक्चुअली. एंड आई गेस अलॉन्ग विद द सॉन्ग इट्स ऑल्सो द कॉन्सेप्ट दैट रियली मैटर्स. सो एज एक्टर्स व्हेन यू गेट टू पोर्ट्रे सच ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स यू आर ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड टू द प्रोजेक्ट. इतने तरह के हमने इमोशंस पोर्ट्रे कर रहे हैं. हैप्पी भी हैं, सैड भी हैं, पार्टी भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं. तो कॉन्सेप्ट ही इतना अच्छा था प्लस गाना कास्ट इतनी अच्छी थी तो उसको मना कर ही नहीं सकते थे. इतना अच्छा कॉन्सेप्ट तो इतना अच्छा बन के आया. एब्सोल्युटली. एंड पीपल आर लविंग इट. यस. व्हाई गाइस पीपल एसोसिएशन के बारे में क्या कहना आपको? व्हाट डू यू वांट टू से? अब व्हाइट हिल्स के गाने तो हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं. सो अब मन में तो था कि व्हाइट हिल्स के साथ काम करना है, बहुत जल्दी करना है. तो अचानक से जब ये एक कॉल आया व्हाइट हिल्स से और बताया गया कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है तो इट वाज अ कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम बिकॉज उन लोगों का प्रोडक्शन हाउस एवरीवन दे आर जस्ट ऑन पॉइंट. सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ. yes. बहुत स्मूथली निकल गया शूट. कब खत्म हो गया वो भी पता नहीं चला था हम लोगों को. व्हाइट हिल बीच वालों ने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करी है. And I guess the best part is that now that White Hills has launched White Hill Beats, we are one of the first people to be featured on their channel. So I guess that's a great feeling. Right. And a lot of more interesting songs also coming up on White Hill Beats. So I hope ki aapne jitna pyar White Hill Punjab label ko diya utna hi pyar aap unke Hindi songs ko bhi dein. Kya kuch compliments mil rahe is song ko lekar personally teenon ko? Here almost crossed 2 million and I guess that's the best part. 6-7 hours. Yeah. 6-7 ghante hue. 6-7 ghante hue. Is song ko lekar ab tak ka best compliment family se ya friend se agar kuch share karna chahe? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट तो यही है मेरे लिए क्योंकि ये जो मैंने इसमें जो कैरेक्टर प्ले किया है इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाटएवर आई हैव प्लेड टिल नाउ. ये थोड़ा सा यू नो वो फ्लैम्बॉयंट और बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते हैं उसे जो मैं हूँ अपने शोज में जो भी मैंने किया उसका जस्ट ऑपोजिट ग्रे कैरेक्टर आई हैव प्लेड. सो मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड पीपल लव्ड इट. उनको मेरा ग्रे शेड भी पसंद आ गया तो क्या कहें. बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यार बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं. सो आई गेस बेस्ट कॉम्प्लीमेंट को एक यू नो ढूंढना इट्स वेरी डिफिकल्ट. बट मैं यही बोलना चाहूँगी कि इतना प्यार दिया एंड वी आर गोइंग थ्रू ऑल दी कॉमेंट्स. अभी तक इतना प्यार मिल रहा है, लोग इतने सारे एडिट्स बना रहे हैं. सो या एक्चुअली इवन आई हैव अ लिटिल ग्रे कैरेक्टर इन दिस सॉन्ग. सो लोगों को क्योंकि यूजली बिफोर दिस प्रोजेक्ट इट्स आई हैव ऑलवेज बीन वेरी यू नो द विक्टिम एंड जिसपे अत्याचार होता है, जिसको धोखा मिलता है इसमें मैं धोखा देती हूँ.
बट अगेन लोगों को वो भी पसंद आया, सो लाइक ओ अश्नूर भी धोखा दे रही है, सो दे आर लाइकिंग द चेंज बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट कैरेक्टर विद अनुज, बहुत सिंपल कैरेक्टर है, देयर इज अ डिफरेंट कैरेक्टर विद पारस, तो वो जो डबल शेड प्ले करने को मिला, आई रियली एंजॉयड दैट एंड पीपल आर लविंग इट टू। मेरे को अश्नूर के फैंस मैसेज कर रहे हैं कि दीदी बहुत अच्छी लड़की है, आपका दिल में ऐसे दिए मार रहे हैं मेरे पास। हाउ स्वीट। ओके आज ब्लैक ब्लैक कॉन्सेप्ट आप ये कोइंसिडेंस है, टोटल या है कंप्लीटली टोटल कोइंसिडेंस। आई वी लाइक ओ प्लानिंग था क्या, कोई मतलब ऐसा कोई प्लानिंग नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अब आई थिंक ये यार की महफिल का कनेक्शन है, ये वही है। मैं तो अभी बिग बॉस या कोई भी रियलिटी शो नहीं करना चाहूंगी। आई वुड लव टू डू खतरों के खिलाड़ी दो, वंस आई एम प्रिपेयर्ड एंड वंस आई एम एन एडल्ट लीगली। बट यस आई मीन इफ जन्नत इज गोइंग, आई डोंट नो इफ शी इज और नॉट, बट आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड वो सबके दिल ऑलरेडी जीत चुकी है और दिल जीत कर आएगी। पारस अगर आपको ऑफर किया जाए लॉकअप तो क्या आप करना पसंद? अब सी आई हैव मैनी प्रॉब्लम्स इन मी, मुझे ना बहुत ज़्यादा चीज़ें, अब अगर ऐसे कहने को जाऊँ तो मुझे OCD है, मुझे क्लिनलीनेस का बहुत प्रॉब्लम है। सेकेंडली मैं जल्दी लोगों से बात नहीं कर पाता, तो ये सारे जो रियलिटी शोज़ है वुड बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट आगे जाके कभी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आई तो जस्ट टू गो इन टू दैट जोन, वो अपना जो डर है वो हटाने के लिए वुड डेफिनेटली लव टू गो देयर। मैं गुनगुनाऊंगी ना तो आप सब भाग जाओगे। अश्नूर ही सो आई वुड वांट अनुज एंड पारस टू सिंग यार की महफिल। प्ले प्ले कर ले, हम प्ले कर लेते हैं, आप सबको देखना, तो आप सब ने देख यहाँ पे साथ में मैम सेंटर यहाँ पे राइट में या सेंटर लुक दोनों लुक यस Yeah, thank you.